close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि ईद मेकअप मैं शूट नहीं कर पाई थी, इसीलिए थोड़ा सा लेट लेकिन काफी अच्छा अफोर्डेबल और गर्मी के हिसाब से ये मेकअप मैं लाई हूँ. मैं आपको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, आपका जो मेकअप है वो बहे नहीं, और गर्मी है तो ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है. तो इसलिए मैं ऐसा मेकअप लाई हूँ जो आपको काफ़ी सुंदर भी दिखाए और थोड़ा सा हैवी भी ना दिखाए, जो आपके चेहरे पे हैवी भी ना लगे या कोई बोले कि आपने एक्स्ट्रा मेकअप किया है. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. लेकिन इस वीडियो में कहना चाहती हूँ कि जो लोग ईद पे मेकअप कर रहे हैं तो वो मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव भी करें, ताकि आपके स्किन पे पैचेस भी ना आए और आपकी जो स्किन है वो काफी स्मूथ रहे. तो कैसे आपको अपने मेकअप को रिमूव करना है, अगर आप मेकअप रिमूवर यूज कर रहे हैं तो आप उसका लिंक भी मैं ऊपर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको अपना मेकअप रिमूव करना है. और अगर आप दूसरी तरह से मेकअप रिमूव करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आपको शो हो जाएगा, उस तरह रिमूव कर सकते हैं. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो की तरफ चलते हैं. लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. हाय गाइस, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस पे जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन करना है. आप चाहें तो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ. तो कॉटन की हेल्प से अपने फेस को बहुत अच्छे से साफ करिए और अपने हैंड्स को भी इसी से क्लीन करिए, ताकि कोई भी डस्ट आपकी स्किन पर ना जाए जब आप मेकअप लगा रहे हों. तो यहाँ पे हैंड को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करिए. देन इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए. अगर आपका फाउंडेशन ब्रेक होता हो या फिर पैचेस आते हों तो एक बार ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिए, चाहे गर्मी हो या जाड़ा. बिफोर फाउंडेशन आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है. अगर गर्मी है तो आप सन स्किन को बिल्कुल लगाइए. देन इसके बाद प्राइमर लगाइए. मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लगा रही हूँ. आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी जस्ट लाइक प्राइमर का ही काम करता है. प्राइमर इसलिए भी लगाना इंपॉर्टेंट है ताकि मेकअप जो है आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल भी ना जाए और आपकी स्किन में कोई भी ब्रेकेज या फिर ब्लैकनेस ना आए. और बहुत अच्छे से इसकी 1-2 सेकंड तक मसाज करिए, और एलोवेरा जेल के साथ भी आपको यही करना है. तो फ्रेंड्स आज मैं फाउंडेशन के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं ले रही हूँ. मैं यहाँ पर ओलिविया का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन पे बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा. तो आज मैं पैनकेक यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का, चीप एंड बेस्ट, बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा. स्पंज को हल्का सा गीला करिए और एक्सेस वाटर निकाल दीजिए. थोड़ा सा वाटर आप अपने केक में भी डालिए. देन इसके बाद इसको अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई करते जाइए. तो आप इसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं, इंस्टेंट आ रहा है. जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ तुरंत आपको फ़र्क दिख रहा होगा. और इस पैनकेक की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको कंसीलर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फेस का आप एक साइड और दूसरा साइड देख सकते हैं, बिल्कुल फ़र्क देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है. तो और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वेट प्रूफ है ये मेकअप जो मैं आज आपको बता रही हूँ. तो इसे थोड़ा थोड़ा लेके अपनी स्किन पे लगाइए, थोड़ा सा एयर पे, और नेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा. थोड़ा सा आईज़ के ऊपर लगाइए. अगर जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैकनेस लग रही हो आप डबल कोट भी कर सकते हैं. तो ये मेरा फाउंडेशन रेडी है, बिल्कुल इवन है, कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं है. देन इसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर लगाऊंगी. आप चाहें तो फेस पाउडर भी लगा सकते हैं. और लूज़ पाउडर लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो भी इसके बाद मैं मेकअप करूँगी, यानी कि कंटूरिंग करूँगी या ब्लश लगाऊँगी, उसमें बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं आएगी. आई शेडो यूज़ करूँगी तो ये आपके मेकअप को बिल्कुल सेट कर देगा, लॉक कर देगा. इसीलिए लूज़ पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
उसके बाद आपको अपनी आईब्रोज़ फिल करनी है, बहुत लाइट आईब्रोज़ फिल करिएगा, आई शेडो का मत यूज़ करिएगा, आईब्रो पेंसिल का यूज़ करिएगा, क्योंकि डे मेकअप में थोड़ा सा जो आई शेडो है वो झलकेगा। और इसके बाद आप ब्रश की हेल्प से इसे इवन कर लीजिए, यानी बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक ना आए। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मेरी आईब्रोज़ फिल हो गई हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये डे मेकअप है, गर्मी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आई शेडो का यूज़ मत करिएगा, बहुत ही लाइट आई शेडो का यूज़ करिएगा। तो मैं यहाँ पे आज गोल्डन एंड ग्रीन ड्रेस पहनने वाली हूँ, जो अभी मैं आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रीस लाइन के ऊपर हल्का सा गोल्डन आई शेडो लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड करी हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट मैंने लगाया है, क्योंकि बिल्कुल भी फेक लुक ना आए, इसलिए बहुत ही लाइट रखिएगा। और एंगल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ मैं, दोनों आईज पे लगाइए। और बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए। और इसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद मेरा जो कपड़ा है वो डार्क ग्रीन है, लेकिन मैं लाइट ग्रीन का ही यूज़ करूँगी। और इसे पूरी आईज पे अच्छे से फैला दीजिए। देन उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से सारी चीज़ों को, यानी गोल्डन एंड ग्रीन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करिए, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना आए और बिल्कुल नेचुरल लुक लगे। इसके बाद आज मैं ग्रीन कलर का आईलाइनर यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और थोड़ा सा पतला आईलाइनर ही लगाइएगा। मैं नॉर्मल आईलाइनर ही लगा रही हूँ, कोई भी विंग आईलाइनर या कोई भी लाइनिंग आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, जिससे कि मेरे फेस को एक नेचुरल लुक मिले। तो मैंने दोनों आईज में आईलाइनर लगा लिया है। देन इसके बाद मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम मस्कारा लैक्मे का यूज़ करूँगी, 9 to 5 का, जो काफ़ी अच्छी कवरेज देता है और एक कोड में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन इसके बाद मैं काजल पेंसिल लगाऊंगी। अगर ये आपके विश पे है कि अगर आपके आईज पे काजल अच्छा लगता है तो आप लगाइए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल काजल लगा रही हूँ। और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसे स्मच भी करूँगी। इसके बाद बहुत लाइट सी कंटूरिंग करिए, थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लेके, जहाँ जहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स लगते हैं काफ़ी हैं, जैसे फोरहेड बड़ा है, तो बहुत लाइट कंटूरिंग करिए, क्योंकि डे है और गर्मी बहुत है। तो मैं बार बार ही इस चीज़ को आपको बता रही हूँ कि गर्मी बहुत है, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप करिए, स्वेटिंग में बिल्कुल भी ना निकले। और ब्लश भी बहुत लाइट सा लगाइएगा, तो मैं लाइट पिंक कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं आज काफ़ी कम क्वांटिटी में मेकअप यूज़ कर रही हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि ब्लेंड भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ताकि पसीने में बिल्कुल कुछ भी ना निकले। तो ब्रश की हेल्प से बिल्कुल स्किन में मर्ज। और देन इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो लिपस्टिक लगाने से पहले कोई भी वैसलीन या लिप ग्लॉस लगाइए। देन इसके बाद मैं फिर से इस बात को आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे 9 to 5 की जो है लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो मैं लाइट कॉफ़ी कलर की लगाऊंगी, तो क्योंकि
थोड़ा सा डे में या फिर गर्मियों में बोल्ड कलर लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप नाइट के फंक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन डे में थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। आई होप गाइस आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।